फ्रेंड आज हम आए हैं मलेश्वरम स्ट्रीट शॉपिंग। इतना क्राउड है आप तो देख ही सकते हो, आप भी आ सकते हो। यहाँ पे सब कुछ सब तरह का एक्चुअली चीज मिलता है। आपको जो प्राइस में चाहिए होगा मगर थोड़ा बार्गेनिंग करके लेना पड़ता है। एक्चुअली इवनिंग का टाइम है और आप देख सकते हो कितना ज्यादा क्राउड है। तो चलते हैं मार्केट के अंदर और आपको दिखाते हैं मार्केट में क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना टाइप का फूल, फ्रेश फूल बिक रहा है। आपको भी चाहिए तो आप यहाँ से होलसेल रेट में आके लेके जा सकते हैं। फूल के बाद पूरा सब्जी का ही मार्केट है और उसके पीछे लेडीज़ लोग का कॉस्मेटिक एंड ड्रेस का भी शॉप है। और आप इधर देख सकते हो कितना सारा लेडीज़ बैग। मेरे को थोड़ा भूख लगा था, इवनिंग का टाइम है ना इसीलिए। तो इधर अमरूद बिक रहा है तो एक पीस अमरूद ले लिया हूँ। ये एक तरफ से हेल्थी एंड गुड फूड है। और सामने आप जो देख पा रहे हो देवी कनकिया परमेश्वरी का टेंपल है। और इधर साइड में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिक रहा है लेडीज लोग का। और इधर पास में ही पूजा का आइटम भी बिक रहा है, क्योंकि कुछ दिन बाद ही कर्नाटका का फेस्टिवल बर्मा लक्ष्मी पूजा होने वाला है इसीलिए। फ्रेंड आज हम आए हैं जनता होटल, आपका नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस होटल है। यहाँ पे डोसा के लिए एक्चुअली सभी आते हैं खाने के लिए, ट्राई करने के लिए। आप भी आइए, एक्चुअली बेंगलुरु मलेश्वरम में पड़ता है। सामने आप देख पा रहे हो जनता होटल, यहाँ का डोसा बहुत फेमस है तो मैं डोसा ट्राई करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। आज संडे है इसीलिए थोड़ा ज्यादा ही क्राउड है। ये मैसूर मसाला डोसा और ये आप जो देख पा रहे हो ये है मैसूर बोंडा। डोसा पूरा क्रिस्पी है और मैसूर बोंडा पूरा स्पॉन्ज का तरह सॉफ्ट। डोसा खाने के बाद थोड़ा कॉफी तो बनता ही है। ये मलेश्वरम का मार्केट आप बोल सकते हो, लेडीज के लिए ज्यादा वैरायटीज मिलता है। तो फ्रेंड हमारा वीडियो कैसा लगा आप बताइए, कमेंट कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।